नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। चाहे अपराध हो, महंगाई हो या फिर महिला सुरक्षा हो, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। वहीं अब उन्होंने बुलंदशहर एक्सप्रेसवे की भी पोल खोल कर रख दी है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि एक्सप्रेसवे पर जानबूझ कर गड्ढे बनाए गए हैं और क्वालिटी खराब की गई है, जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। अखिलेश ने क्या कुछ कहा है सुनिए। जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं, वो महसूस होता है कि सड़क में बड़े पैमाने पर जो गुणवत्ता थी, जो मानक थे, उससे सड़क नहीं बनी है। आपको बता दें, अखिलेश यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होते हुए जालौन जा रहे थे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर रुककर उनकी हालत को देखने के लिए वो उतरे थे। अखिलेश ने एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पहले ही उसकी हालत की पोल खोल कर रख दी। इस पर चलते हुए अखिलेश ने कुछ फोटोज भी पोस्ट की हैं, साथ में ट्वीट करके लिखा है, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलकर और देखकर जो हिचकोलेदार डगमग अनुभव हुआ है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की नाम बदल जीवी सरकार को अपना नाम बदलकर भ्रष्टाचार एक्सप्रेसवे कर देना चाहिए। आपको बता दें, गुणवत्ता के लिए सपा को सलाहकार बनाने की भी अखिलेश यादव ने भाजपा को नसीहत दे दी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। 296 किलोमीटर के दायरे में फैले एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय लगभग आधा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश ने जिस तरह से इसकी पोल खोली है, इसके हालात को बयां किया है, उससे ये दावे मुश्किल ही सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में इतना ही। खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।